खबर काला ढूंगी से है, जहां पुलिस व स्थानीय युवाओं के नेतृत्व में काला ढूंगी में महिला सुरक्षा व नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया गया। मयंक गुप्ता के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं ने सरस्वती विद्या मंदिर में महिला सुरक्षा व नशे के खिलाफ जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में काला ढूंगी पुलिस उपनिरीक्षक निशु गौतम ने छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव, महिला अपराध एवं अन्य कुरीतियों के प्रति जागरूक किया, जिसमें एसआई निशु गौतम द्वारा छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई। वहीं छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति सचेत किया गया। इसके अलावा पुलिस द्वारा गौरा शक्ति ऐप 112 की जानकारी भी दी गई। इस दौरान अभिभावक संघ द्वारा अध्यक्ष रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। काला ढूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। मैं लेडी पुलिस आई थी कालूंगी थाने से, तो उन्होंने बताया कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो मतलब ये सारी गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबको मतलब इसके बारे में पता चलना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या होता है। और उन्होंने हमें एक ऐप बताया, गौरा शक्ति ऐप, जिसमें हम मतलब और बॉयज का भी है उसमें, गर्ल्स का भी है, और हमारी मदर और जो फादर होते हैं पेरेंट्स का भी है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और आज अपने गोस्वामी सरस्वती विद्या मंदिर में जो अपने थाने के द्वारा और अपने इस क्षेत्र के अपने पूर्व छात्र अपने इस विद्यालय के आदरणीय मयंक गुप्ता जी के द्वारा उनके प्रयासों से अपनी जो एसआई थाना निशु गौतम जी हमारे मध्य में यहाँ पर विद्यालय में पहुँचे, उन्होंने हमारे बच्चों को विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हैं आज नशे से संबंधित हैं और जो अन्य क्राइम से संबंधित है, यातायात के संबंध में है, ऐसी जानकारियाँ उनको बच्चों को दी गई और उसका लाभ मैं समझता हूँ कि सभी भैया बहनों को पहुँचेगा। और वो उनको बताया गया कि आप शिकायत कर सकते हैं, 108 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ऐसे विभिन्न गौरा जो ऐप है उसके बारे में बताया, तो ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई। उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी टीम का, अपने पत्रकार महोदय का भी साथ में धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर उपस्थित हुए और बच्चों को ऐसी अच्छी जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी गई।